कि धर्म क्या है। देखो धर्म शब्द उलझा हुआ है। आज हमसे कोई पूछे धर्म क्या है तो हम कहेंगे अरे भगवान को जल चढ़ाना धर्म है, कोई कहेगा गैया को घास खिलाना धर्म है, कोई कहेगा भूखे को भोजन कराना धर्म है, कोई कहेगा माला लेके जाप करना धर्म है, कोई कहेगा तीर्थ यात्रा करना धर्म है। और धर्म के अलग अलग अंग भी बताए गए। गीता में धर्म के 26 अंग, भागवत जी में धर्म के 4, और उन्हीं चारों का विस्तार जब हुआ तो 28 अंग बताए गए। जैन दर्शन में धर्म के 10 लक्षण बताए गए, बौद्ध धर्म में भी धर्म के 10 लक्षण बताए गए। और गोस्वामी जी मानस में तो इतना बताते हैं कि पिता का धर्म, माता का धर्म, पुत्र का धर्म, पुत्री का धर्म, गुरु का धर्म, पति का धर्म, पत्नी का धर्म, मित्र का धर्म, शत्रु का धर्म, स्वामी का धर्म, सबके धर्म अलग है। और हमने एक अलग परिभाषा दे दी। हमने सोचा हिंदू धर्म, मुस्लिम धर्म, जैन धर्म, बौद्ध धर्म, सिख धर्म, यहूदी धर्म, पारसी धर्म, और जमाने भर के जितने संप्रदाय हैं हमने उनको धर्म का नाम दे दिया। पर वास्तव में धर्म क्या है? तो वेद व्यास जी धर्म शब्द को बहुत उलझा हुआ बताते हैं कि धर्म शब्द उलझा हुआ है। लेकिन यदि कोई एक शब्द में मुझसे पूछे कि धर्म क्या है तो निर्मत सराणाम सताम, आपका कपट रहित व्यवहार ही धर्म है। ध्यान से सुनना, कपट रहित व्यवहार मतलब जब आपके भीतर का कपट समाप्त हो जाए तो समझ लो कि तुमसे बड़ा धर्मात्मा दुनिया में और कोई नहीं है। कपट समझ गए कि हमारे पड़ोसी की हो गई उन्नति, हमारा जो पड़ोसी है उसकी हो गई उन्नति, और उसकी उन्नति को देख के हम भीतर ही भीतर जलने लगे, ईर्ष्या, जलन, द्वेष, मात्सर्य भाव पैदा हो गया। लेकिन जिस दिन ये भाव समाप्त हो जाए, किसी की भी, अपने शत्रु की भी उन्नति यदि हमने देखी और वो देख के हमको लगे कि वाह प्रभु कैसी कृपा की है, जैसी कृपा इस पर की वैसी सब पर करो और मुझ पर भी करो, जिस दिन ये भाव आ जाए, कपट रहित व्यवहार ही आपका धर्म बन जाता है। जिस दिन आपके मन में ये जलन वलन की जो भावना है वो समाप्त हो जाए, मात्सर्य भाव समाप्त हो जाए, तो समझो कि आप ही धर्मात्मा हो। तो भागवत जी के प्रथम स्कंद के पहले अध्याय के दूसरे श्लोक में धर्म शब्द को संबोधित किया गया, साथ ही साथ परिभाषित किया गया। अब भागवत जी के तीसरे श्लोक में बताया कि भागवत की कथा कैसी है। तो निगम कल्प तरोर गलितम फलम सुख मुखा दमृत द्रव संयुतम पिवत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। ये भागवत क्या है? वेद और शास्त्र रूपी एक पेड़ है। वेद और शास्त्र रूपी एक पेड़ है। उस पेड़ में भागवत रूपी फल लगा हुआ है। और फल कैसा? कहा गलितम फलम। गलितम मतलब बिल्कुल पका हुआ। अब जैसे आम के पेड़ में आम लगा होता है, समझने की कोशिश करें, आम के पेड़ में आम लगा होता है और वो आम खूब पक जाए, खूब ज्यादा एकदम गल जाए पक पक के, और वो आम पेड़ के ऊपर से यदि नीचे गिरेगा तो सही सलामत रहेगा? रहेगा या नहीं? रहेगा या नहीं? नहीं रहेगा ना। इतने ऊंचे से यदि आम गिरा बिल्कुल पका हुआ गला गला रस भरा, तो ऊपर से गिर के नीचे जब वो आएगा तो उसका जो पल्प है, उसका जो गूदा है, वो सब बाहर बाहर निकल जाएगा। वैसे ही कहा जब ये भागवत इतना गलितम, इतना गला हुआ, इतना पका हुआ फल है, तो ये इतने ऊपर लगे हुए वृक्ष से जब नीचे आया तो ये सही सलामत कैसे आया? तो कहा कि ये जो भागवत रूपी फल है ये डायरेक्ट पृथ्वी पे नहीं आया, ये माध्यम बनाते हुए पृथ्वी पे आया। ये भागवत सबसे पहले नारायण के मुख से निकली है, श्री हरि नारायण। भागवत का ज्ञान भगवान विष्णु ने 4 श्लोकों में दिया है ब्रह्मा जी को, फिर ब्रह्मा जी के द्वारा ये ज्ञान मिला है नारद जी को,
नारद जी के द्वारा ये ज्ञान दिया गया वेद व्यास जी को, फिर वेद व्यास जी के द्वारा ये ज्ञान मिला सुखदेव जी को, फिर सुखदेव जी के बाद ये ज्ञान मिला है परीक्षित को, और परीक्षित के माध्यम से ये हम सभी पृथ्वी वासियों को प्राप्त हुआ। तो ये कोई कहे कि सीधे फल नीचे आ गया, तो पहले नारायण की शाखा से ब्रह्मा, ब्रह्मा की शाखा से नारद, नारद की शाखा से व्यास, व्यास की शाखा से सुखदेव, और फिर सुखदेव की शाखा से परीक्षित, और परीक्षित के पश्चात हम सबको ये ज्ञान मिला। तो ऐसी है ये श्रीमद् भागवत की कथा। और जैसे आम पक जाने पर मीठा होता है, अब गर्मियों में आम का सीजन आ गया, लोगों को आम बड़ा पसंद है, आम फलों का राजा है, और ऐसे बहुत कम व्यक्ति होंगे जिनको आम पसंद ना हो। सबको पसंद है, और एक आम खाओ तो मन भी नहीं भरता, एक के बाद ऐसा लगता है एक आध और मिल जाए, फिर लगता है एक आध और मिल जाए, फिर लगता है एक आध और मिल जाए, फिर लगता है एक आध और मिल जाए। जब तक पेट खराब ना हो तब तक खाते रहो, और फिर आम का रस भी पियो, फिर आम की आइसक्रीम भी खाओ, आम इतना प्रिय होता है। जैसे आम खाने पर मन नहीं भरता, गर्मियों में हम प्रतिदिन आम खाते हैं, सुबह शाम खाते हैं, दिन में चार बार खाते हैं, वैसे ही ये श्रीमद् भागवत की कथा जो है ये आम की तरह है। जैसे आम पक जाने पर मीठा होता है, और उसी पके हुए आम में यदि कोई तोता आकर के अपनी चोंच मार दे तो उस आम की मिठास क्या होती है, बोलो, बढ़ जाती। आम में यदि तोता चोंच मारे तो हमारे देहातों में कहा जाता है गांव में कि तोते के द्वारा खाया गया फल मीठा होता है। तो जैसे आम पक जाने पर मीठा, लेकिन पके हुए आम को यदि तोता जूठा कर दे तो उसकी मिठास बढ़ जाती है, वैसे ही श्रीमद् भागवत की कथा मीठी तो है, लेकिन जब से सुखदेव जी रूपी तोते ने इस श्रीमद् भागवत रूपी फल में अपनी चोंच मारी है, तब से इसकी जो मिठास है वो अनंतानंत गुना बढ़ गई।